हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है फंडामेंटल सब्जेक्ट का, सिस्टम ऑफ ड्रग मेजरमेंट, जो हमारी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट चल रही थी उसका नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ ड्रग मेजरमेंट। डिफरेंट सिस्टम अवेलेबल आर, ठीक है, जो ड्रग मेजरमेंट के जो सिस्टम होते हैं, कैसे कैसे ड्रग मेजरमेंट करते हैं, तो उसके बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे कि मैट्रिक सिस्टम, हाउस होल्ड सिस्टम, अपोथिकेरी सिस्टम एंड सॉल्यूशंस। तो एक एक करके देखते हैं इनको। सबसे पहले मैट्रिक सिस्टम। इन दिस सिस्टम मैट्रिक यूनिट्स आर यूज्ड, एग्जांपल मिलीग्राम, ग्राम, मिलीलीटर, लीटर। ठीक है, जो मैट्रिक सिस्टम है उसके अंदर जो मैट्रिक यूनिट्स हैं उनका यूज किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड है हाउस होल्ड सिस्टम। हाउस होल्ड सिस्टम में हाउस होल्ड सिस्टम मेजर इंक्लूड ड्रॉप्स, टी स्पून, टेबल स्पून एंड कप्स फॉर मेजरिंग मेडिकेशन। तो हाउस होल्ड सिस्टम में टी स्पून, टेबल स्पून, कप, ड्रॉप्स, इन सब का यूज किया जाता है मेडिकेशन मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, देयर डिसएडवांटेज इन देयर इन एक्यूरेसी। ठीक है, हाउस होल्ड यूटेंसिल सच एज टी स्पून एंड कप वेरी इन साइज। एग्जाम्पल मैट्रिक सिस्टम एंड हाउस होल्ड सिस्टम में कंपेरिजन, 1 ml हाउस होल्ड सिस्टम, 15 drop। मैट्रिक सिस्टम में 5 ml जो होता है वो हाउस होल्ड सिस्टम में 1 teaspoon, और जो मैट्रिक सिस्टम में 15 ml होगा वो हाउस होल्ड सिस्टम का 1 tablespoon के बराबर होगा। उसके बाद में अपोथिकेरी सिस्टम। अपोथिकेरी सिस्टम इट इज ओल्डेस्ट सिस्टम। द बेसिक यूनिट ऑफ वेट इन द अपोथिकेरी सिस्टम इज ग्रेन। ठीक है, एंड द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज द मिनिमम। इसमें क्या होता है, जो भी वेट का जो बेसिक यूनिट होगी वो ग्रेन में होगा, और जो वॉल्यूम का बेसिक यूनिट होगी वो मिनिमम होगा। द अदर यूनिट ऑफ वेट आर द ड्रेम, द औंस एंड पाउंड। द यूनिट ऑफ वॉल्यूम आर फ्लूइड, ड्रेम, द फ्लूइड औंस एंड पिंट एंड क्वार्ट एंड द गैलन। तो मैट्रिक सिस्टम एंड अपोथिकेरी सिस्टम में कंपैरिजन, 1 mg मैट्रिक सिस्टम में 1 mg, तो अपोथिकेरी सिस्टम में 1/60 ग्रेन, 60 mg 1 ग्रेन, 1 ग्राम 15 ग्रेन्स, 4 ग्राम 1 ग्रेन, 30 ग्राम 1 औंस, 500 ग्राम 1.1 pound, 1 ml 15 to 60 mm, 5 ml 1 fluid grain drain, 30 ml 1 fluid ounce, 500 ml 1 pint, 1 liter 1 quart and 4 liter 1 gallon. Solution. A solution is a given mass of solid substance dissolved in a unknown volume of fluid, or a given volume of liquid solved in a unknown volume of other fluid. For example, a 10% solution is 10 gram of solid dissolved in 100 ml of solution. उसके बाद में converting measurement unit. तो ड्रग को कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसकी कुछ यूनिट है, जैसे कन्वर्जन विद इन वन सिस्टम, कन्वर्जन बिटवीन सिस्टम एंड डोजेस कैलकुलेशन। कन्वर्जन विद इन वन सिस्टम। टू कन्वर्ट मेजरमेंट विद इन वन सिस्टम सिंपली डिवाइडेड और मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल टू चेंज मिलीग्राम टू ग्राम डिवाइडेड बाई 1000, मूविंग द डेसिमल 3 point टू द लेफ्ट। जैसे कि 1000 मिलीग्राम टू 1 ग्राम एंड 350 मिलीग्राम टू 0.35 ग्राम। सेकेंड कन्वर्जन बिटवीन सिस्टम। टू कन्वर्ट मेजरमेंट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम द नर्स शुड बी फेमिलियर एंड द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑल द सिस्टम। डोज कैलकुलेशन। नेक्स्ट डोज कैलकुलेशन मेथड यूज टू डोज कैलकुलेशन। तो डोज कैलकुलेशन के भी 3 मेथड होते हैं, पहला रेशियो एंड प्रोपोर्शनल मेथड, सेकेंड फॉर्मूला मेथड, थर्ड है डायमेंशनल एनालिसिस।
तो फर्स्ट देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल मेथड। ए रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स सेपरेटेड बाय ए कॉलम। फॉर एग्जांपल रेशियो 1:2 एंड द सेम इज 1/2। राइट द प्रोपोर्शन इन वन ऑफ थ्री वे। फॉर एग्जांपल 1:2 इज इक्वल टू 1:4:8। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों एग्जांपल इन ए प्रोपोर्शन द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर आर कॉल्ड द एक्सट्रीम एंड द सेकंड एंड थर्ड नंबर आर कॉल्ड द मीन्स। व्हेन मल्टीप्लाई द एक्सट्रीम द आंसर इज द सेम व्हेन मल्टीप्लाई द मीन्स। एग्जांपल द सब्सक्राइब ऑर्डर 500 mg ऑफ एमोक्सिसिलिन टू बी एडमिनिस्टर इन एवरी 8 hours। द बॉटल ऑफ अमोक्सिसिलिन इज लेबल्ड 500 mg पर 5 ml। फॉर्मूला मेथड। कैलकुलेटिंग डोज ऑफ सॉलिड मेडिकेशन। फर्स्ट कन्वर्ट द ड्रग अमाउंट टू द सेम यूनिट एंड देन यूज द फॉर्मूला। डोज रिक्वायर्ड इक्वल टू स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड बाय स्टॉक स्ट्रेंथ नंबर ऑफ टैबलेट। स्टॉक स्ट्रेंथ इज अमाउंट रिटन ऑन द ड्रग कवर। ठीक है, एंड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड रिटन बाय डॉक्टर। सेकंड, कैलकुलेटिंग डोज ऑफ लिक्विड मेडिकेशन। फर्स्ट कन्वर्ट द ड्रग अमाउंट टू द सम यूनिट एंड देन यूज द फॉर्मूला। वॉल्यूम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड इनटू वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय स्टॉक स्ट्रेंथ। थर्ड है कैलकुलेटिंग ड्रिप रेट। फर्स्ट कन्वर्ट वॉल्यूम टू मिलीलीटर एंड देन यूज दिस फॉर्मूला। ड्रॉप पर मिनट टोटल वॉल्यूम टू बी गिवन इनटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट। तो टाइम इन मिनट को जब अगर हावर्स में दे रखा है तो उसको टाइम इन मिनट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, टाइम इन हावर्स इंटू 60। ड्रॉप फैक्टर इज द ड्रॉप पर मिलीलीटर गिवन टू पेशेंट। फैक्टर ड्रॉप फैक्टर ऑफ माइक्रोसेट, जो माइक्रोसेट होगा उसमें ड्रॉप फैक्टर कितना होगा 15, एंड जो मैक्रोसेट होगा उसमें 15 होगा और जो माइक्रोसेट होगा उसमें 60 होगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं आईवी सेट, जिसके अंदर माइक्रो एंड मैक्रो ड्रॉप फैक्टर के एग्जांपल हैं। तो जो माइक्रो ड्रॉप है उसके अंदर छोटी छोटी बूंदें गिरेगी, ठीक है, तो उसको माइक्रो ड्रिप कहते हैं। तो उसमें 60 ड्रॉप होगा और इसमें मैक्रो में 15 ड्रॉप फैक्टर। फोर्थ है कैलकुलेटिंग डोज अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। टोटल डोज कितनी होगी, प्रिस्क्राइब्ड डोज इनटू पेशेंट वेट। फिफ्थ है कैलकुलेटिंग डोज अकॉर्डिंग टू बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड डोज इनटू पेशेंट बॉडी सरफेस एरिया। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो ड्रग के एक्शन को अफेक्ट करते हैं। बॉडी साइज, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, एज, पीडियाट्रिक या जीरियाट्रिक, जेनेटिक फैक्टर, डिजीज स्टेट्स, किडनी या लीवर, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, टॉलरेंस एंड रेजिस्टेंस। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं जो कि ड्रग के एक्शन को अफेक्ट करते हैं। कुछ डिटेल में देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग मेडिकेशन एक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डेवलपमेंटल फैक्टर। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेगनेंसी। इसके अंदर प्रेगनेंसी मोस्ट ड्रग आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बिकॉज ऑफ दीज पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द फीटस। इन्फेंट यूजुअली रिक्वायर्ड स्मॉल डोजेस बिकॉज ऑफ देयर बॉडी साइज एंड द इमेच्योर ऑफ देयर ऑर्गन्स। इन एडोलेसेंट और अडल्टहुड एलर्जिक रिएक्शन में अकर। ओल्ड एज हैव डिफरेंट रेस्पॉन्स टू मेडिकेशन ड्यू टू एजिंग। सेकेंड है जेंडर, डिफरेंट एक्शन
कैन अकर इन मैन एंड वुमेन ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फैट एंड फ्लूड एंड हॉर्मोनल डिफरेंसेस। थर्ड है कल्चरल इथनिक एंड जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक डिफरेंसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम दैट अफेक्ट ड्रग मेटाबोलिज्म कल्चरल फैक्टर्स एंड प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जांपल वैल्यू एंड बिलीव्स कैन आल्सो अफेक्ट ए ड्रग एक्शन। फोर्थ है डाइट। न्यूट्रिएंट्स कैन अफेक्ट द एक्शन ऑफ मेडिकेशन। फॉर एग्जांपल विटामिन के फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल कैन कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ एन एंटीकोगुलेंट सच एज वारफेरिन। फिफ्थ इज इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में भी अफेक्ट ड्रग एक्टिविटी। व्हेन इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इज हाई द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स डायलेट दस इंक्रीज द एक्शन ऑफ वैसोडायलेटर्स। द क्लाइंट हु टेक सेडेटिव्स और एनाल्जेसिक इन ए बिजी नॉइजी इन्वायरमेंट मे नॉट बेनिफिट एज फुली इफ द इन्वायरमेंटल वेयर क्वाइट एंड पीसफुल। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर। द क्लाइंट एक्सपेक्टेशन अबाउट व्हाट ए ड्रग कैन डू कैन अफेक्ट रेस्पॉन्स टू द मेडिकेशन। सेवंथ है इलनेस एंड डिजीज। ड्रग एक्शन इज अल्टर्ड इन क्लाइंट विद सर्कुलेटरी लीवर और किडनी डिसफंक्शन। एट है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल मेडिकेशन अफेक्ट द स्पीड विद विच दे एक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन। तो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान कौन कौन सी सेफ्टी हमको रखनी चाहिए। द सेफ एंड एक्यूरेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इज वन ऑफ मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स। रेडी द फिजिशियन ऑर्डर ऑफ ड्रग। इफ द ऑर्डर इज नॉट क्लियर कंसल्ट द फिजिशियन। कंसिडर द एज एंड वेट ऑफ द patient. The nurse must have thorough knowledge and drug can be administered by her. Look for the color, odor, consistency of drug before administration. Follow 10 rights and 3 checks in drug administration. Calculate the drug doses accurately. Identify the patient correctly. Observe for the symptoms of overdoses of drug before it is administered. Give the drug one by one. Stay with the patient until he has taken the medication completely. Do not leave the medicine with the patient. The nurse should always assess a client's health status and obtain a medication history prior to giving any medication. The medication history include information about the drug the client is taking currently and has taken recently and the history of drug allergies. The nurse should clarify with the client any side effect, adverse reaction and allergic response due to medication. Okay, thank you.